Hello everyone, so today date is 25th February and 2024. We are going to solve some PYQs of wave optics of class 12th physics. Start karte hain question number 1 se. So first question is, the periodic waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. Kya bola hai yahan pe, jo periodic waves hain इंटेंसिटी I1 और I2 की, वो पास थ्रू अ रीजन, एक रीजन से पास कर रहे हैं सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में. सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इज, यहाँ पे क्या बताना है, सम बताना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का कितना होगा, ये पूछा गया है. सो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे. देखो, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू पीरियोडिक वेव्स एट अ पॉइंट इज गिवन बाय क्वेश्चन क्या है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दो पीरियोडिक वेव्स की एक पॉइंट पे इज गिवन बाय, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस F. रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है किस कंडीशन में मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इफ कोस फाइ इज इक्वल टू, कोस फाइ की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये मैक्सिमम होगी. इफ माइनस 1 नहीं, हाँ पॉजिटिव मैक्सिमम है तो माइनस 1 होगी, माइनस आएगा यहाँ पे. और दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है. और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, मिनिमम कब होगी, इफ कोस फाई की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव 1 हो, यानी कि आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2. ये हाँ थोड़ा सा जो है अपोजिट है, यानी मैक्सिमम में नेगेटिव आ रहा है, मिनिमम में पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे ही आप इसको याद रखोगे. देयरफॉर अगर सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की बात करी जाए तो वो कैसे आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम, राइट. सो यहाँ पे पुट करेंगे दोनों को, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस रूट माइनस 2 रूट I1 I2, ये हमारे पास आ गया. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2, हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2 I1 प्लस I2, क्योंकि ये तो हमारे पास कट गया ना, इससे ये दोनों कॉमन आ गए, यानी 2 I1 प्लस I2. सो ये हमारा फाइनल आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2I1 प्लस I2, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर अपीयर ऑन अ थिन सोप फिल्म एंड ऑन सोप बबल ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, जो कलर दिखता है एक थिन यानी पतली सोप की फिल्म के ऊपर और जो सोप के बबल्स होते हैं उनमें कोई जिस भी कलर की अपीयरेंस होती है, वो पूछा गया कि किस फिनोमेना के कारण ऐसा होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखना है, इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना होता है. देखो क्या होता है, इसमें हम सब जानते हैं कि जो कलर होते हैं फॉर विच कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज सेटिस्फाइड आर ऑब्जर्व इन अ ग्रे इन अ गिवन रीजन ऑफ द फिल्म, एक गिवन रीजन में ही दिखता है वो बेसिकली. तो जो पाथ डिफरेंस होता है लाइट वेव के बीच में, लाइट वेव कौन सी, जो आई की मतलब कि लाइट वेव रीचिंग द आई बेसिकली, ठीक है. चेंजेस वो कब चेंज होता है, जब पोजिशन होती है ना जो आई की, वो चेंज हो जाए. देयरफॉर जो कलर है वो एक थिन सोप फिल्म के ऊपर या फिर सोप बबल्स के फॉर्म में अपीयर होता है ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. अगर इतनी थ्योरी इतना कुछ नहीं जानना, नहीं याद रखना, कोई इशू नहीं है, याद रखना बस यहाँ पे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, कलर अपीयरेंस का ऑफ सोप बबल या सोप फिल्म के ऊपर, वो फिनोमेना याद रखना है, फिनोमेना हमारे पास वो होता है इंटरफेरेंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेरेंस के ऊपर है दोबारा. इंटरफेरेंस वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर, जहां पे एयर प्रेजेंट होती है. नाउ चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, खाली कर दिया उसको, रिक्त,
इवैक्यूएटेड, नाउ पहले उसमें एयर प्रेजेंट थी अब वो इवैक्यूएटेड है, एंड इफ द सेम लाइट इज यूज्ड, अगर सेम लाइट को यूज किया जाए, ए केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी. हाँ, तो बेसिकली ये पूछा गया, इसकी ऑब्जर्वेशन पूछी है कि जो एंड में रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो आउटपुट, जो ऑब्जर्वेशन जो है देखी जाएगी वो क्या होगी. तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये होता है इंटरफेरेंस फ्रिंज विद लार्जर विड्थ, इंटरफेरेंस फ्रिंज देखी जाएगी लार्जर विड्थ के साथ. तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है यानी डी है हमारे पास करेक्ट है, इंटरफेरेंस फ्रिंज विद लार्जर विड्थ. देखो कैसे करेक्ट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. इन वैक्यूम, वैक्यूम में जब हम बात करते हैं तो जो वेवलेंथ होती है यानी लैम्डा वो इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली, मतलब कि बहुत कम उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है जब उसको हम एयर के कंपैरिजन में लाते हैं, ठीक है. एज बीटा डायरेक्टली यानी फ्रिंज विड्थ जो होती है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ के यानी कि लैम्डा के. देयरफॉर जो विड्थ होगी इंटरफेरेंस फ्रिंज की वो स्लाइटली इंक्रीज करती है इसके साथ. तो इस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी, इंटरफेरेंस फ्रिंज विद लार्जर विड्थ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो रेशियो है इंटेंसिटीज की ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, देन जो रेशियो है एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, रेशियो बतानी है एम्पलीट्यूड्स की, दो वेव के एम्पलीट्यूड की रेशियो कितनी होगी वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है. तो सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा स्पेस बना के. I1 upon I2 is equal to A1 square upon A2 का square is equal to कितना दे रखा है 4/1, that is A1 upon A2 is equal to squaring हटेगी यहाँ पे आ जाएगा 2/1. ये तो आ गया हमारे पास इसका आंसर का, इतना ही था बस, बिल्कुल छोटा सा. लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा बात बताने वाली हूँ जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा इसके रिगार्डिंग. देखो अगर W1 और W2 विड्थ है, विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, दो स्लिट्स की ये क्या है विड्थ है, फ्रॉम विच, जिसमें से जो इंटेंसिटीज है, फ्रॉम विच इंटेंसिटीज ऑफ लाइट आई वन और आई टू निकलती है, एमिट होती है, देन जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ए टू अपॉन, मतलब ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, यानी कि डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू दैट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है. मतलब बेसिकली फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर के इक्वल होगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू, यानी कि डब्ल्यू वन क्या होती है, डब्ल्यू वन और टू विड्थ है दो स्लिट्स की, ठीक है, जहां से इंटेंसिटी जो है लाइट आई वन और आई टू की एमिट करती है, और ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये क्या होते हैं एम्पलीट्यूड होते हैं, ठीक है. तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन, इंटरफेरेंस किस में पॉसिबल है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, लाइट वेव्स में सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स में, या बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स में, या नीदर लाइट और ना साउंड वेव, कौन सी आएगी करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे लाइट और साउंड वेव्स दोनों में इंटरफेरेंस पॉसिबल है. इंटरफेरेंस एक वेव का फिनोमेना होता है जो कि बोथ लाइट वेव्स और साउंड वेव्स दोनों में देखने को मिलता है. इंटरफेरेंस से हमारे पास यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, पहला तो इंटरफेरेंस पे नहीं था, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी कंटिन्यू ये हमारे पास इसके इंटरफेरेंस के क्वेश्चन आए हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट, कौन सा जो है इनमें से फिनोमेना ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कौन सा एक एक्सेप्शन है, ये है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा. रिफ्लेक्शन इसने जो एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है ये इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया ये फिनोमेना. देखो ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन जो है वेव फ्रंट का डज नॉट अप्लाई टू ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा विच इज एक्सप्लेन बाय, ये जो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ये क्वांटम थ्योरम जो होती है ना, क्वांटम थ्योरी, ये वहां से एक्सप्लेन हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर सेपरेशन कोहरेंट सोर्स के बीच का इज मतलब हाफ, उसको हम आधा कर दें, किसका, कोहरेंट सोर्स जो है उसके बीच के सेपरेशन को हम आधा कर दें, हाफ कर दें, और जो डिस्टेंस है स्क्रीन का कोहरेंट सोर्स से, स्क्रीन का डिस्टेंस कोहरेंट सोर्स से वो क्या हो जाए, उसको कर दें डबल, तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उस वो आधी हो जाएगी 4 × 1/4, क्या कुछ इफेक्ट उसके ऊपर देखने को मिलेगा. थोड़ा सा स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे.
देखो फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा डी अपॉन डी, यहाँ पे हेयर लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम कोहरेंट सोर्सेस, ये क्या है वेवलेंथ है लाइट की कोहरेंट सोर्सेस से, और डी क्या है सारी पहले मैं इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, ये है डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसका स्क्रीन का फ्रॉम द कोहरेंट सोर्स, ये क्या है डी डिस्टेंस स्क्रीन का कोहरेंट सोर्स से, और स्मॉल डी क्या है सेपरेशन बिटवीन कोहरेंट सोर्सेज के बीच का जो सेपरेशन है उसको स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेन हम वो क्या दे रखा है जो ये डी है ये स्मॉल डी ये क्या कर दिया हाफ इसको हाफ कर दे और जो ये वाला डी है इसको क्या कर दे डबल, क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो न्यू फ्रिंज विड्थ क्या होगी यानी बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा टू डी अपॉन टू यानी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू टू जा फोर लैम्डा डी अपॉन टू, ये आ गया हमारे पास तो यानी बीटा इज इक्वल टू फोर बी, ये लैम्डा डी अपॉन डी क्या होता है ये इसका अपना फ्रिंज विड्थ का ही फॉर्मूला है, तो बी डैश इज इक्वल टू सॉरी बी डैश कह रही हूँ बीटा डैश इज इक्वल टू फोर बीटा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका हमारे पास फोर टाइम्स ये आपको दिख रही है यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, चार गुना हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब लाइट जो है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की लाइट जो है जब उसको हम यूज करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो जो एंगुलर विड्थ होती है पहले मिनिमा की फॉर्म जो है कि एक स्क्रीन पे फॉर्म होती है प्लेस्ड वन जो कि एक मीटर की दूरी पर रखी गई है वो कितनी पाएगी 0.2 डिग्री की, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, तो जो पहला मिनिमा है उसकी एंगुलर विड्थ यहाँ पे पूछी गई है अगर एंटायर एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस जो है उसको हम वाटर में इमर्स कर दें। दोबारा से सुनो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब एक 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को यूज किया गया तो जो उसकी एंगुलर विड्थ थी पहले मिनिमा की वो एक स्क्रीन के ऊपर फॉर्म्ड हुई जो कि एक मीटर दूरी पे उससे रखी गई थी और उसके ऊपर कितना एंगल देखा गया 0.2 डिग्री के एंगल से वो वहां पे फॉर्म्ड हुई, व्हाट विल बी द, तो एंगुलर विड्थ बतानी है पहले मिनिमा की कितनी होगी अगर एंटायर एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस जो है उसको हम वाटर में इमर्स करते और म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3 यहाँ पे हमें दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ वाटर 4/3 ऑलरेडी गिवन। अब आपको पढ़ के थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है डिग्री वगैरह दे दिया ये दे दिया, सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको मैं बता दूं। देखो देखो फॉर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है यानी कि थीटा नोट इज इक्वल टू व्हाट बीटा अपॉन डी, ठीक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी है थीटा नोट इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की अगर मैं बात करूं वाटर में तो हमारे पास क्या आएगा थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू डी, ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला। यहाँ पे हम वोटर की बात करें वोटर के कंटेक्स्ट में तो उसी के रिगार्डिंग हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे यानी थीटा नोट अपॉन म्यू कितना हमारे पास ये 0.2 डिग्री अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है वोटर की 4/3 आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.15 डिग्री, क्या आ जाएगा हमारे पास 0.15 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस अगर कोई भी इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है लाइट के बीच में बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट दोनों स्लिट से अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन कोरस्पोंडिंग टू द फिफ्थ मिनिमम हैज पाथ डिफरेंस, तो एक पॉइंट स्क्रीन के ऊपर जो कि फिफ्थ मिनिमम से कोरिस्पोंड कर रहा है हैज पाथ डिफरेंस उसका पाथ डिफरेंस बताना है कितना होगा
क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर कोई भी इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है लाइट के बीच में जो दोनों स्लिट से जो बन रही है, तो एक पॉइंट जो है स्क्रीन के ऊपर बनेगा जो कि किसके कोरस्पॉन्डिंग है, फिफ्थ मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग है। अब उसका पाथ डिफरेंस यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना के इसको भी देख लेंगे। पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम वाई डी एस सी से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला इसका होगा डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा, यानी कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये हमारे पास n की वैल्यू होती है यहाँ पे। सो डेल्टा एक्स यानी n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, फिफ्थ दे रखी है, राइट। तो n के प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into ये अपना क्या इसके प्लेस पे 5, 10, 5 to 10, 10-1 कितना हो गया 9, यानी 9/2 ये यहाँ पे लैम्डा 9/2 लैम्डा, तो ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। सिर्फ एक फॉर्मूले का क्वेश्चन था, पाथ डिफरेंस निकालना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का वाई डी एस सी में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा। यहाँ पे एन की वैल्यू आपको फिगर आउट कर लेनी है क्या दे रखी है, और उसके अनुसार आपका आंसर निकल आएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेपरेशन डी है बिटवीन द स्लिट, दो स्लिट्स के बीच का, वो कितना है 2 mm, ठीक है। वेवलेंथ जो है लैम्डा और लाइट की यूज्ड इज, वेवलेंथ कितनी है 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास दे रखी है इसकी वेवलेंथ जो कि यूज हुई है। और डिस्टेंस डी जो है स्क्रीन के बीच का और स्लिट के बीच का वो कितना है 100 cm। इट इज फाउंड दैट, पाया गया कि जो एंगुलर विड्थ है फ्रिंजेस की वो कितनी है 0.20 degree है। टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ, अगर एंगुलर उसको फ्रिंज एंगुलर विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं 0.21 degree तक सेम लैम्डा और सेम डी के साथ, तो सेपरेशन बताना है स्लिट के बीच का कितना चेंज होना चाहिए, यानी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड्स टू बी चेंज टू, कितना चेंज होना चाहिए। दोबारा से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेपरेशन डी है स्लिट के बीच का वो 2 mm है, वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है लाइट की यूज इज वो कितनी है 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, और डिस्टेंस डी जो है स्क्रीन के बीच का और स्लिट के बीच का वो कितना है 100 cm। इट इज फाउंड दैट पाया गया कि जो एंगुलर विड्थ है फ्रिंजेस की वो कितनी है 0.20 degree, इस फ्रिंज एंगुलर विड्थ को इंक्रीज करने के लिए, कितना इंक्रीज करने के लिए 0.21 degree तक इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ना वेवलेंथ चेंज होनी चाहिए ना इनके बीच का डिस्टेंस, तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स नीड, तो कितना सेपरेशन जो है स्लिट के बीच का चेंज होना चाहिए, नीड्स टू बी चेंज, ताकि इसका जो फ्रिंज एंगुलर विड्थ है उसमें इंक्रीजमेंट आ सके। क्वेश्चन में उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, तो अब अपना सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। देखो एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, सो 0.20 degree इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 mm, लैम्डा इज इक्वल टू 0.20 degree इंटू 2, अगेन बात करेंगे हम किसकी 0.21 degree के लिए, इसका चेंज डेल्टा अपॉन सॉरी अपना लैम्डा अपॉन डी, स्मॉल डी आएगा यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, डी को बाहर ले लेंगे 0.20 degree, क्योंकि ये लैम्डा की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लैम्डा ही निकाला था हमने ये, इनटू 2 mm अपॉन डी हमारे पास यहाँ डी को हमने बाहर ले लिया, ये अंदर आ जाएगा नीचे की साइड 0.21 degree। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट डी इज इक्वल टू 1.9 mm, यानी कि ये सेपरेशन जो है इतना सेपरेशन उनके बीच का स्लिट्स के बीच का चेंज होना चाहिए
अगर हमें एंगुलर फ्रिंज एंगुलर विड्थ को इंक्रीज करना है 0.21 डिग्री तक, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा यानी कि बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इज फर्स्ट परफॉर्म्ड, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था एयर में, उसके बाद मीडियम में, अदर देन, मतलब कि एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो सकता था, ठीक है, सबसे पहले तो परफॉर्म किया गया एयर में, उसके बाद मीडियम में. इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया कि जो एट्थ ब्राइट फ्रिंज है मीडियम में लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर. क्या पाया गया कि जो आठवीं ब्राइट फ्रिंज है वो मीडियम में लाई करती है और पांचवीं डार्क फ्रिंज जो है वो एयर में लाई कर रही है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम का इज नियरली, क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम का इज नियरली कितना होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम इज इक्वल टू फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर, ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आठवीं ब्राइट फ्रिंज है मीडियम की वो पांचवीं डार्क फ्रिंज जो एयर की है उसके इक्विवेलेंट है. यानी कि इसको फ्रिंज को हम यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. एट्थ ब्राइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 8 लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है इसका. और फिफ्थ के केस में बात करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 9 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी, ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला, ठीक है. दोनों को इक्वेट कर देंगे, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे यानी कि 9 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी इज इक्वल टू 8 लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, ये हमने पुट कर दिया. और या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, म्यू इज इक्वल टू 16 अपॉन 9, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1.78 करेक्ट आंसर, ठीक है. अब ये तो था आंसर निकाल दिया हमने, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको करके बताया इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. देखो YDSC में जो इन YDSC YD, ये आप समझ रहे होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंजेस, कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए y n इज इक्वल टू, यहाँ पे n के प्लेस पे जैसे पीछे हमारे पास 8 और 5 था, मतलब कोई भी अपना नंबर हो सकता है, n d लैम्डा अपॉन d, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है nth ब्राइट फ्रिंज के लिए या फिर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, फ्रिंज के लिए यूज करते हैं हम, नहीं मतलब ये सिर्फ ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए मैं अलग से बता रही हूँ आपको, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हो. डिस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंज की बात करी जाए, डिस्ट्रक्टिव या फिर डार्क फ्रिंज की जब बात होगी तब फॉर्मूला ये वाला होता है, ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, 2n-1 d lambda upon 2d, ये होता है फॉर nth डार्क फ्रिंज. ये दो फॉर्मूले हैं जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में यूज किए हैं और दोनों फॉर्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए. ब्राइट फ्रिंज के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, yn इज इक्वल टू n d lambda upon d, यहाँ पे देखो फर्क इतना, यहाँ पे n नहीं है और यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, इस वाले मतलब इसमें n नहीं आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा n हट के यहाँ पे 2 मान लो, ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएगा 2n-1 lambda d upon 2n और lambda d lambda upon 2d, यहाँ पे आ जाएगा n d lambda upon d, कि जैसे भी आप फॉर्मूला याद रख सको इसको याद कर लेना. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी आएगा, क्योंकि हमारा आंसर में सबसे 1.78 कुछ था, हाँ ये रहा 1.78 था, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटेंसिटी है द मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम में इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो कितनी है, आई नोट, डिस्टेंस जो है दो स्लिट के बीच का वो कितना है, 5 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ, कितनी इंटेंसिटी होगी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द एक स्लिट के फ्रंट में ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, मतलब कि एक स्लिट के फ्रंट में स्क्रीन रखी गई है 10 डी के डिस्टेंस पे, तो उस पे कितनी इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है.
ठीक है, काफी बड़ा इसका हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो इसको स्पेस बना के करना पड़ेगा ये। ये हमारे पास मान लो डिस्टेंस है डी इन दोनों स्लिट्स के बीच का, ये एस वन स्लिट वन, ये हो गई स्लिट टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हो गया ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ, ये बी, और यहाँ पे ये हो गया पी पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूं। लेट पी इज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, एक स्लिट के बीच का पॉइंट, एट विच, जहां पे इंटेंसिटी जो है इज टू बी कैलकुलेटिव, वो क्या होनी है, कैलकुलेट करनी है। आगे आंसर देखो, पाथ डिफरेंस की बात करी जाए तो क्या होगा, एस टी एस टू पी माइनस एस वन पी। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं रूट डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी। ठीक है, स्मॉल कैपिटल डी, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी इज इक्वल टू, डी को बाहर ले लेंगे ऑब्वियसली, वन प्लस हाफ डी स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी। ये हमारे पास जो है इसका क्या आया है, एक्सपेंड फॉर्म में करने के बाद रिजल्ट आया अभी। तो इस डी को हम बाहरी कंसिडर करेंगे, अंदर आ जाएगा वन प्लस डी का स्क्वेयर अपॉन टू डी स्क्वेयर, ये माइनस वाला अंदर आ गया डी। ठीक है, सॉरी अंदर नहीं आया, डी एक बाहर था, इसके प्लेस पे वन पुट हो गया। ठीक है, वन कॉमन निकल गया ना, क्योंकि ये तो इज इक्वल टू, इसको भी जब फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर अपॉन 2D, क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर अपॉन 2D, क्योंकि एक D से यहाँ पे ये हमारे पास निकल गया, डी स्क्वेयर अपॉन 2D हमारे पास आ गया। तो डेल्टा x जो है वो किसके इक्वल होगा, डी स्क्वेयर अपॉन 2D, यानी कि 2 इंटू D की वैल्यू क्या होगी, 10D, जो कि हमें दे रखी है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D अपॉन 10, 2 से कितना हो गया 20, यानी कि 5 लैम्डा अपॉन 20 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4, 5 1 जा 5 4 जा, यानी 1 क्या आ गया, 1 लैम्डा अपॉन 4, यानी लैम्डा अपॉन 4 ही आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे फेज डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस तक की हमने बात कर ली, फेज डिफरेंस की बात करेंगे अब। इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई जो है इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इन टू लैम्डा अपॉन 4, यानी कि लैम्डा से लैम्डा गया, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि पाई अपॉन 2 आ गया। सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी डिजायर्ड पॉइंट पी पर, वो कितनी होगी, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वेयर पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वेयर पाई अपॉन 2 क्या होता है, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू आई नोट अपॉन 2, हमारे पास आ गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, आई नोट अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो दो स्लिट जो है यूज की, दो स्लिट जो है 1 mm अपार्ट, मतलब एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 1 mm की दूरी पे है, और स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 meter अवे, और जो स्क्रीन है वो 1 meter की दूरी पर रखी गई है उनसे। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ 500, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर की, उसको यूज किया गया, इज यूज, सो वट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, तो कितनी विड्थ होगी हर एक स्लिट की फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, क्या ऑब्टेन करने के लिए, 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट को ऑब्टेन करने के लिए विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न, मतलब कि किस एक सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है सिंगल स्लिट पैटर्न का, उसके विद इन ऑब्जर्व करने के लिए, उसके ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली, तो कितना विड्थ चाहिए होगी, विड्थ जो है लगेगी हर एक स्लिट की कितनी होगी, ये पूछा गया है। Here, distance जो है between two slits, यानी d is equal to 1 mm is equal to 10^-3 meter. Distance जो है distance of screen from slits कितना होगा, d is equal to
1 मीटर. वेवलेंथ की बात करूं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की तो कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 × 10⁻⁹ मीटर. विड्थ की अगर बात करी जाए विड्थ ऑफ ईच स्लिट, यानी ए इज इक्वल टू, वो निकालना है हमें यहाँ पे, अब फॉर्मूला देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट पैटर्न इज इक्वल टू 2λd/d, क्यों लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ए, ठीक है. उसके बाद फ्रिंज विड्थ की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात करी जाए तो फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है λd/d. तो सो रिक्वायर्ड कंडीशन, सो (10λd/d) इज इक्वल टू 2λd/a, ठीक है. a इज इक्वल टू, a निकालना है हमें, इसको बाहर ले लेंगे, d अपॉन 2 5 2, ये 5 से जाएगा, 5d आ गया, इज इक्वल टू 1/5 × कितना दे रखा, डिस्टेंस 10⁻³ m, यानी कि 0.2 mm हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. जो विड्थ होगी हर एक स्लिट की, यानी ईच स्लिट ए दोनों इक्वल है, तो वो आ जाएगी 0.2 mm, कितनी आ जाएगी, 0.2 mm आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दो स्लिट्स यंग एक्सपेरिमेंट में हैव विड्थ इन द रेशियो, किस रेशियो में विड्थ है, 1:25, जो रेशियो है इंटेंसिटी की मैक्सिमा पे और मिनिमा पे इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज, तो वो पूछी गई है कितनी होगी. दोबारा से क्वेश्चन को समझिए, दो स्लिट्स हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट में हैव विड्थ इन द रेशियो, उनकी जो विड्थ है रेशियो में 1:25, तो जो रेशियो है इंटेंसिटी की मैक्सिमा और मिनिमा पे इन इंटरफेरेंस पैटर्न वो कितनी है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज कितनी होगी, वो पूछा गया है. देखो द रेशियो ऑफ स्लिट्स विड्थ इज इक्वल टू 1/25, ये गिवन है हमें, I1/I2 इज इक्वल टू 25/1, I1/I2 इज इक्वल टू 25/1, यानी कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए स्क्वेयर के, यानी हम लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू a1² / a2² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका I1² यानी 25/1, या फिर हम बोल सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 5/1, क्या आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा. एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 + a2 / a1 - a2, मतलब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में इस बारे में मैंने आपको बता दिया था, मिनिमम मैक्सिमम क्या एम्पलीट्यूड के ऊपर साइन आएगा कैसे, क्या सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दी थी. 5+1/5-1 यानी 6/4 यानी कि आ गया 3/2 यहाँ तक. सो आई मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू a² maximum / a² minimum, क्या आ जाएगा, 3/2 होल स्क्वायर यानी कि 9/4 आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, 9/4 यानी कि सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी है लाइट की एक पॉइंट पे ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है इसका लैम्डा का पाथ डिफरेंस कितना है, कि लैम्डा बीइंग द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज, लैम्डा जो है वेव लेंथ होगी जो लाइट यूज करी गई है, इंटेंसिटी बतानी है एक पॉइंट पे जहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, λ/4 विल बी, क्या बोला गया है, जो इंटेंसिटी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है जहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, λ/4 विल बी कितना हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे. स्पेस बनाते हैं सोल्व करने के लिए. देखो 4 पाथ डिफरेंस लैम्डा,
फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2π रेडियन, ये होगा हमारे पास फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन फोर पाथ डिफरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई अपॉन 2 रेडियन, ये हो जाएगा हमारे पास। यानी कि एज के इज इक्वल टू 4i नोट, सो इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 4, हम लिख सकते हैं यहाँ पे के डैश इज इक्वल टू 4i नोट कोस स्क्वेयर पाई अपॉन 4, यानी कोस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट, कोस 45 डिग्री, सो वी कैन से 2i नोट इज इक्वल टू के अपॉन 2। चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप याद रख सकते हो, करेक्ट ऑप्शन आ गया के अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्टील्स जो स्लिट्स हैं वो 2 mm दूरी पे एक दूसरे से एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स, उनके ऊपर इल्यूमिनेट किए गए 2 वेवलेंथ के, लैम्डा 1 एक की वेवलेंथ है 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे की है 10,000, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे फ्रॉम द कॉमन जो सेंट्रल कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वहां से जो वो कॉमन पॉइंट हो गया, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे ऑन द स्क्रीन 2 मीटर जो कि एक स्क्रीन पर जो कि 2 मीटर की दूरी पर है स्लिट से विल बी आ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम 1 इंटरफेयर, एक इंटरफेरेंस पैटर्न से कोइंसाइड करेगी दूसरी ब्राइट फ्रिंज की इंटरफेरेंस पैटर्न से, तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे ये पूछा गया है यहाँ पे। काफी जो है बड़ा इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हो y इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, ठीक है, यानी कि n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यूज दे रखी है, उसको सोल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। हैंस जो y कॉमन होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, n लैम्डा 1 d अपॉन d, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 mm, ये फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच का और स्क्रीन के बीच का वो डबल कर दिया गया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज रिड्यूस, जो सेपरेशन है स्लिट के बीच का उसको रिड्यूस करके आधा कर दिया, एज अ रिजल्ट जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी होगी, देखो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा डी अपॉन डी, डी डैश कितनी हो गई 2d, अब ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 2, क्या आंसर आएगा, देखो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है 4 times बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने वैसे ही दोबारा से करा दिया, क्वेश्चन हम बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके आए थे, सारा सब कुछ सोल्यूशन मैंने आपको दिया था, हर एक वहां पे पॉइंट बताया था, क्या हो गई थी वो 4 गुना becomes 4 times, क्या आ गया था उसका, b इज इक्वल टू 4b डैश ये आ गया था, नहीं बी डैश बाहर आएगा ठीक है, क्योंकि दूसरे वाली हमें न्यू ब्राइट फ्रिंज बतानी थी, तो b डैश इज इक्वल टू 4b, ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन लास्ट वन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी, 5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स के कितना, 0.2 mm, और स्क्रीन जो है वो 200 सेंटीमीटर की दूरी पे है स्लिट से, सेंट्रल मैक्सिमम जो है इज एट x इज इक्वल टू 0, तो थर्ड मैक्सिमम यानी टेकिंग द सेंट्रल मैक्सिमम एज 0th मैक्सिमम, तो जो थर्ड मैक्सिमम विल बी एट x इक्वल विल बी x इक्वल, तो किसके इक्वल होगा ये पूछा गया थर्ड मैक्सिमम, ठीक है, तो बिल्कुल एक लाइन का फॉर्मूला वही x इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो उसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए 3 into कितनी दे रखी है लैम्डा 5,000 into 10^-10 आर्मस्ट्रॉन्ग से मीटर में कन्वर्ट करते हैं into 2 upon 0.2 into 10^-3, आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट 1.5 into 10^-2 मीटर, यानी इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 cm हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें हमारे पास। तो इसी के साथ हमारे PYQs वेव ऑप्टिक्स के खत्म हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स चैप्टर होते हैं रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, ओसिलेशन वेव, और ये है 2-4 चैप्टर काफ़ी थोड़े से फिजिक्स में टफ, तो इनमें तो टाइम लगता है समझने में, बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कुछ आपकी मदद हुई होगी इन क्वेश्चन से, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।